हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे के शक्करपारे। तो शक्करपारे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, सेम साइज के कप हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है और अब इसमें मैं बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा घी डालने जा रही हूँ। ये तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है मैंने और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। घी डालने से शक्करपारे बहुत ही अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस प्रकार से हमें मैदे का डो तैयार करना है। अब मैंने इसकी 2 लोई बना ली है। लोई हमें रोटी के साइज से बड़ी लोई लेनी है, तो क्योंकि हमें थोड़े से मोटे बनाने हैं शक्करपारे, ज़्यादा पतले भी नहीं, ज़्यादा मोटे भी नहीं। अब मैं इसे बेल लेती हूँ, एक बड़ी रोटी बना के तैयार कर लेती हूँ इसको बेल के मैं। ये देखिए, सॉफ्ट डो रहता है तो हमें ज़्यादा मैदे को गूंद के रखना नहीं पड़ता है, ज़्यादा देर बना लेते हैं तुरंत ही। और ये देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं की है, ज़्यादा पतली भी नहीं की है। और अब मैं इसके शक्करपारे काट लेती हूँ। आप किसी भी साइज में काट सकते हैं, किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ये देखिए, ये मैंने काट के शक्करपारे तैयार कर लिए हैं। ये 1 लोई जो और बन रखी थी उसको भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। उसे भी सेम उसी साइज में बेलना है हमें और वैसे ही चाकू की सहायता से कट करना है। ये आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा पतला भी नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा हल्का सा मोटा रहने दे रही हूँ। ये देखिए, इतना मोटा रहने देंगे हम इसे, क्योंकि इसमें अंदर चाशनी जब जाएगी तो बहुत ही अच्छा, एकदम खस्ता बनेंगे ये। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने इसके भी तैयार कर लिए हैं ये शक्करपारे। ये देखिए, ये बन के देखिए, आप देख सकते हैं, इतना मोटा रखना है हमें शक्करपारों को, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब ये पूरी तरह से कट के तैयार हो गए हैं शक्करपारे। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने रख दिया है, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये हल्का सा गर्म हुआ है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इन्हें धीमी आंच पे ही तलने देना है हमें, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये देखिए,
ये एक एक करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हमने इसका सॉफ्ट डो तैयार किया था तो ये चिपक जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर एक एक करके डाल रही हूँ इन्हें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। इन्हें हल्का हल्का तलना है, हमें धीमी आंच पे ही तलना है। ये अब मैं इन्हें थोड़ा चला देती हूँ, पलट देती हूँ। ये अच्छे से तल के ऊपर आ गए हैं, फूल गए हैं। अब इन्हें हल्का हल्का पलट देती हूँ और इन्हें ज़्यादा डार्क कलर में नहीं तलना है, हमें लाइट कलर में ही तलना है। शक्करपारे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये सारे शक्करपारों को मैंने पलट दिया है और अब मैं इस साइड चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ये उसी साइज़ से 2 कप चीनी ली है और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, 1 कप पानी डाल देती हूँ। 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाल देती हूँ। ये अब धीमी आंच पे मैं इसे चाशनी को पकने देती हूँ। अब मैंने गैस का फ्लेम बढ़ा दिया है और चाशनी को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगी नीचे से। अब हम शक्करपारे चेक कर लेते हैं, ये भी बनके तैयार हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस कलर में बिल्कुल सेम, इसी कलर में निकालना है। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इनका कलर देखिए कितना अच्छे से अंदर से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और क्योंकि हमने इन्हें धीमी आंच पे तला था तो ये पूरी तरह से तला के तैयार हो गए हैं। अब मैं सारे शक्करपारों को निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब निकाल लिए हैं मैंने शक्करपारे और अब जो बचे हुए शक्करपारे हैं वो भी मैं एक एक करके इस ऑयल में डाल देती हूँ। इन्हें भी सेम उसी तरह से हमें धीमी आंच पे ही तलना है। अब ये देखिए चाशनी भी हमारी उबलने लगी है, गैस को अभी हमने तेज ही रखा है, कम नहीं किया है। ये देखिए चाशनी को तो अभी और टाइट होने देना है हमें, ये अभी पतली है चाशनी, शक्करपारे की चाशनी थोड़ी टाइट लेते हैं, ज़्यादा पतली नहीं रखना है इसे। ये शक्करपारे भी देखिए कितने अच्छे से तला गए, अभी मैं पलट देते हैं हम। ये देखिए अब हम निकाल लेते हैं, ये अच्छे से तल चुके हैं। हमने मैदे को गूंथते समय जो घी का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा घी डाला है मोन इसमें, तो इससे बहुत ही खस्ता बने हैं हमारे शक्करपारे और जब इसमें हम चाशनी में डाल देंगे तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। ये देखिए ये शक्करपारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें चाशनी भी हो चुकी है, इसमें इलायची डाल देती हूँ। ये जो फेन आ गया है इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, तो जो चाशनी में जो भी गंदगी रहती है वो, मतलब शक्कर में जो भी गंदगी रहती है वो फेन से ऊपर आ जाती है। अब इसे मैं एक छन्नी की सहायता से निकाल लेती हूँ पूरे फेन को। कभी भी ऐसा रहे कि चाशनी अगर कुछ फेन छोड़ रही है तो समझो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो 1 चम्मच दूध से, तो और जो भी गंदगी है वो पूरी ऊपर आ जाती है, फिर हम इसे निकाल लेते हैं। अब ये देखिए चाशनी भी बन के शायद तैयार हो गई। हाँ ये देखिए चाशनी, ये प्लेट में जो मैंने डाली है तो ये टाइट लग रही है हल्की हल्की सी, तो समझो हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शक्करपारे डाल देती हूँ। ये देखो मैं उंगली से चेक करके बताती हूँ आपको। ये देखिए सेम ऐसी चाशनी रखनी है हमें शक्करपारे के लिए। ये देखिए इसमें तार बन गए हैं। अब मैं इसमें सारे जो भी शक्करपारे तले थे वो इसमें डाल देती हूँ चाशनी में।
ये मैंने चाशनी में शक्करपारे डाल दिए हैं और गैस को मैंने बंद नहीं किया है, अभी भी गैस ऑन है और गैस का फ्लेम मीडियम है और मैंने चला लेती हूँ, पूरी तरह से मिला लेती हूँ। इसे आराम आराम से धीरे धीरे चलाना, अगर हम ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो शक्करपारे टूट सकते हैं। तो जब तक चाशनी पूरी तरह से शक्करपारों के अंदर नहीं जाती तब तक हमें इसे चलाते रहना है और गैस को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरी तरह से मिला लेते हैं हम, ये देख सकते हैं आप, चाशनी पूरी तरह से शक्करपारे में मिल चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये देखिए अब ठंडे होने पर शक्करपारे देखिए कितने अच्छे बने हैं और इसकी जो चाशनी है वो पूरी तरह से इसमें मिल चुकी है। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं टेस्टी टेस्टी शक्करपारे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बना के देखिए कैसे लगे हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़रूर बनाइए शक्करपारे, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम।